हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग रैंडम फॉरेस्ट पढ़ रहे थे और हमने लास्ट वीडियो में हाइपर पैरामीटर्स के बारे में पढ़ा। अब हम लोग इस वीडियो में एक कोड एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि रैंडम फॉरेस्ट को आप किसी प्रॉब्लम के ऊपर कैसे अप्लाई करते हो। द गुड पार्ट अबाउट रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिदम इज कि स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स विदाउट एनी हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग भी ये एल्गोरिदम बहुत बढ़िया परफॉर्म करता है। सो एक काम करेंगे हम लोग इस वीडियो में एक डेटा सेट है, हार्ट डिजीज का डेटा सेट बहुत फेमस है, कैगल से मुझे मिला, उसके ऊपर रैंडम फॉरेस्ट अप्लाई करेंगे एंड दिस इज अ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। ओके, सो हम लोग कुछ इम्पोर्ट्स ले रहे हैं, डेटा सेट को इम्पोर्ट कर लिया और ये रहा मेरा डेटा सेट। सो दिस इज अ डेटा सेट अबाउट 303 पेशेंट्स और उनके बारे में डिटेल्स है, एज, सेक्स, कुछ बायोलॉजिकल मेट्रिक्स हैं और फिर बताया जा रहा है कि उनको हार्ट डिजीज है या नहीं है। ठीक है, और हमें इन इनपुट्स के लिए प्रिडिक्ट करना है कि पेशेंट को हार्ट डिजीज होगा या नहीं होगा। ठीक है, सो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने एक्स और वाई एक्सट्रैक्ट कर लिया इस डेटा सेट से लाइक दिस, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर दिया। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करने के बाद 242 रोज ट्रेन में चले गए, 61 रोज टेस्ट में चले गए। यहाँ पे मैंने रैंडम फॉरेस्ट का एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसको मॉडल पे ट्रेन करके एक्यूरेसी निकाला एंड इट वाज कमिंग आउट टू बी 0.85। ठीक है, अगर आप इसको और दूसरे एल्गोरिदम्स के साथ कंपेयर करो, लेट्स से इस पॉइंट पर अगर मैं ग्रेडियंट बूस्टिंग क्लासिफायर ले लूं, जो कि हमने अभी पढ़ा नहीं है बट आप सेम तरीके से यूज कर सकते हो, एसवीएम से अगर मैं एसवीसी ले लूं और लीनियर मॉडल से लॉजिस्टिक रिग्रेशन ले लूं, तो मैं एक कंपैरेटिव स्टडी आपको दिखा सकता हूं कि रैंडम फॉरेस्ट कहां पे स्टैंड करता है। और भी हम एल्गोरिदम्स ले सकते हैं बट आई गेस इतने से मेरा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। सो इस पॉइंट पे व्हाट आई विल डू इज आई विल क्रिएट ग्रेडियंट बूस्टिंग क्लासिफायर का ऑब्जेक्ट, आई विल क्रिएट एसवीसी का ऑब्जेक्ट and I will create logistic regression का object। और हम क्या कर सकते हैं, हम सभी के ऊपर ये same code run कर सकते हैं। So I will just do it 3 more times, copy और यहाँ पे हम डाल देते हैं gradient boost and you can see ग्रेडियंट बूस्टिंग जो खुद में बहुत अच्छा एल्गोरिदम है उसका एक्यूरेसी काफी नीचे आ रहा है रैंडम फॉरेस्ट से। लेट्स सी एसवीएम का क्या हालत है। एसवीएम शायद थोड़ा बेटर परफॉर्म करेगा, ऑल्दो हमने कुछ ट्यूनिंग किया नहीं है, सो यू नेवर नो। सी और भी ज्यादा खराब आ रहा है। और लेट्स सी लॉजिस्टिक रिग्रेशन के क्या हाल है। सो एल आर और ये काफ़ी बढ़िया दे रहा है 0.88। ठीक है, तो मोस्ट लाइकली डेटा थोड़ा लीनियर होगा इंटरनली शायद इसलिए, बट मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि आप किसी भी प्रॉब्लम में डायरेक्टली स्ट्रेट ऑफ द आउट ऑफ द बॉक्स अगर रैंडम फॉरेस्ट अप्लाई करोगे वो हमेशा टॉप 2-3 एल्गोरिदम्स में रहता है, हमेशा उसका परफॉर्मेंस हमेशा ही बढ़िया रहता है। ये डेमोन्स्ट्रेशन आई गेस आपको ये क्लियर दिखा सकता है। ठीक है, सो नाउ ऑब्वियसली ये सिर्फ हमने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट एक बार किया है तो उसके हिसाब से एक्यूरेसी निकला है, हमने इसको क्रॉस वैलिडेट नहीं किया है। तो अगर आप क्रॉस वैलिडेट करोगे तो एक्यूरेसी थोड़ा घट जाता है। यू कैन सी कि 0.82 हो गया क्योंकि मैंने 10 बार ये सेम काम किया और फिर एवरेज निकाला, तो ये थोड़ा ज़्यादा एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन है। सेम चीज़ जब आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन के साथ करोगे तब भी वो 88% नहीं रहेगा, वो घट जाएगा, लाइक यहाँ पर घट करके 0.82 हो गया जो कि पहले 0.88 था। तो यू कैन सी जो क्रॉस वैलिडेशन लगाने के बाद आपका रिजल्ट आ रहा है फॉर बोथ रैंडम फॉरेस्ट एंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन मोर और लेस सेम ही आ रहा है। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो कि आप रैंडम फॉरेस्ट का परफॉर्मेंस थोड़ा सा और इम्प्रूव कर सकते हो अगर आप उसका हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करो, क्योंकि अलग अलग हाइपर पैरामीटर्स हैं उनकी वैल्यूज को एडजस्ट करने से ऐसा हो सकता है कि आप मॉडल के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर पाओ। सो मैंने क्या किया,
मैंने मैक्स सैंपल्स बोल के जो हाइपर पैरामीटर था कि कितने नंबर ऑफ रोज जाएंगे हर डिसीजन ट्री के अंदर, उसको मैंने ट्यून किया, मैंने 75% रोज दिए, और ऐसा करने से मेरा एक्यूरेसी काफी बढ़ गया था, 0.90 हो गया था। ये सेम चीज अगर मैं क्रॉस वैलिडेशन के थ्रू करूं, सो अगर मैं यहाँ पे लिखूं रैंडम फॉरेस्ट और यहाँ पे मैं लिखूं मैक्स सैंपल्स 0.75, तो 0.82 आ रहा था पहले, अब वो 0.84 हो गया। सो द ओनली प्रॉब्लम इज कि रैंडम फॉरेस्ट में अराउंड 25 हाइपर पैरामीटर्स हैं, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि हर पैरामीटर का सबसे सही वैल्यू क्या होगा? तो इसका सोल्यूशन एक ही है और वो है हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। और हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करने के लिए आपके पास अलग अलग तरीके होते हैं, उनमें से जो सबसे फेमस तरीका है वो है ग्रिड सर्च सीवी। सो वहां पे आप क्या करते हो, आप अपने हर हाइपर पैरामीटर को अलग अलग वैल्यूज दे देते हो जिनके लिए आपको टेस्ट करना है। सो ये देखो, मैंने एन एस्टिमेटर एज इन कितने डिसीजन ट्रीज यूज होंगे, उसके लिए मैंने 4 अलग वैल्यूज दे दी। फिर मैंने मैक्स फीचर्स एज इन कितने कॉलम्स मिलेंगे हर डिसीजन ट्री को, उसके लिए अलग वैल्यूज दे दी। मैक्स डेप्थ कितना रहेगा हर डिसीजन ट्री का, उसके लिए अलग वैल्यूज दे दी। और फिर मैक्स सैंपल्स कितना रहेगा, उसके लिए भी मैंने अलग वैल्यूज दे दी। अब होगा क्या कि हर पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के लिए एक रैंडम फॉरेस्ट ट्रेन होगा। सो टोटल कितने कॉम्बिनेशन ट्रेन होंगे, यू कैन सी 4 × 3 मतलब 12, 12 × 3 36, 36 × 3 108 कॉम्बिनेशंस। सो हम क्या कर रहे हैं, हम 108 डिफरेंट रैंडम फॉरेस्ट ट्रेन करेंगे, ठीक है? दिस इज द स्ट्रेटजी, इसीलिए इसको ग्रिड सर्च बोला जाता है, क्योंकि ये ग्रिड की तरह है। अभी अगर आप 4 पैरामीटर्स को ट्यून कर रहे हो तो आप एक 4-dimensional ग्रिड हो, 4-dimensional टेबल हो, और आप उस टेबल की हर वैल्यू के लिए अपने रैंडम फॉरेस्ट को ट्रेन करोगे। तो आपने सबसे पहले ये ट्रेन कर लिया, उसके बाद आप एक डिक्शनरी फॉर्म करते हो पैरामीटर ग्रिड बोल के। यहाँ पे आप एग्जैक्टली वो वैल्यूज देते हो, वो हाइपर पैरामीटर का वैल्यू देते हो, नाम देते हो सॉरी, और यहाँ पे उसका वैल्यू देते हो, और ये रहा मेरा पैरामीटर ग्रिड, ठीक है, ये डिक्शनरी। अब एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूं मैं रैंडम फॉरेस्ट का, और फिर मैं मॉडल सिलेक्शन से ग्रिड सर्च सीवी को इम्पोर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको 4-5 चीजें प्रोवाइड करनी है। पहला, कौन से एल्गोरिदम को आपको रन करना है, रैंडम फॉरेस्ट इसको रन करना है, ठीक है। नेक्स्ट, पैरामीटर ग्रिड बताओ क्या क्या ऑप्शंस के ऊपर ट्रेन करना है, वो हमने बता दिया। उसके बाद क्रॉस वैलिडेशन, तो मैं बोल रहा हूँ कि ये जो पूरी चीज है जो आप 108 रैंडम फॉरेस्ट को ट्रेन करोगे, उसको 5 बार ट्रेन करो, हर रैंडम फॉरेस्ट को 5 बार ट्रेन करो, ठीक है, क्योंकि उससे क्या होगा, आपका क्रॉस वैलिडेशन हो जाएगा और आपको एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। वर्बोस से आपको आउटपुट दिखेगा ड्यूरिंग द प्रोसेस, और एन जॉब्स -1 करने से मेरे मशीन के सारे कोर्स में यूज करूंगा, प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो जाएगा, क्योंकि आप अगर इतने सारे मॉडल्स ट्रेन कर रहे हो तो प्रोसेस स्लो होगा, राइट। तो अब मैंने इस कोड को रन कर दिया, अब इस लाइन में सबसे इंपॉर्टेंट काम होगा, मॉडल ट्रेन होगा। सो उसको आप जैसे ही रन करोगे, देखो बोल रहा है फिटिंग 5 folds फॉर ईच ऑफ 108 कैंडिडेट्स टोटलिंग 540 फिट्स। सो इन शॉर्ट 540 डिफरेंट मॉडल्स ट्रेन हो रहे हैं अभी बिहाइंड द सीन। अब अगर ये डेटा बहुत बड़ा होता तो बहुत ज्यादा टाइम लगता, बट ये डेटा सेट छोटा है इसीलिए हो गया, और ये आपको हर बार का समरी दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये रहा आपका आउटपुट। अब अगर आपको इससे पता करना है कि बेस्ट पैरामीटर्स क्या है, तो आपको बस लिखना होता है rfgrid.bestparams, और ये आपको एक समरी में बता देगा, मैक्स डेप्थ नन रखने के लिए, मैक्स फीचर्स 0.2 रखने के लिए, मैक्स सैंपल्स 0.75, एन एस्टिमेटर्स 20 रखने के लिए, ठीक है, 20 डिसीजन ट्रीज रखने के लिए, और ये आपका बेस्ट स्कोर है 0.83, दिस इज योर बेस्ट स्कोर, ठीक है। सो दैट इज हाउ यू डू ग्रिड सर्च सीवी ऑन टॉप ऑफ रैंडम फॉरेस्ट, ठीक है। अब एक और चीज होती है जिसको हम बोलते हैं रैंडम सर्च सीवी, एक्चुअली इसको रैंडमाइज्ड सर्च सीवी बोलते हैं। सो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे आपके पास 108 कॉम्बिनेशंस हो गए, राइट। अब अगर ये बहुत बड़ा डेटा सेट हो या फिर आपको और ज्यादा हाइपर पैरामीटर्स को ट्रेन करना हो, तो ग्रिड सर्च सीवी थोड़ा सा स्लो हो जाता है और आपको बहुत टाइम लगता है मॉडल को ट्रेन करने में। रैंडमाइज सर्च सीवी क्या करता है कि वो रैंडमली 108 अगर आपके पास ऑप्शन है तो उसमें से रैंडमली 10, 15, 20 को सेलेक्ट कर लेगा और अपने हिसाब से रैंडमली वो सारी चीज को परफॉर्म करेगा। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक दो और एडिशनल पैरामीटर्स ऐड कर दिए, जैसे बूटस्ट्रैप, मिन सैंपल स्प्लिट,
मिन सैंपल लीफ, मैंने और ज्यादा हाइपर पैरामीटर्स यूज किए, ये मेरा पैरामीटर ग्रिड है, थोड़ा इस बार बड़ा है। मैंने फिर रैंडमाइज सर्च सीवी को बुलाया, यहाँ पे मैंने सब कुछ सेम रखा एज इट इज, और इसको जब ट्रेन किया तो यू कैन सी फिटिंग 5 folds फॉर 10 candidates। इन शॉर्ट इसने क्या किया, रैंडमली 10 candidates को ही उठाया, बाकी सबको छोड़ दिया। तो दिस प्रोसेस इज मच फास्टर, ऑल्दो इसमें आपको बेस्ट रिजल्ट्स नहीं मिलते बट आपको जल्दी आंसर मिल जाता है। सो अगर इन शॉर्ट आप बहुत बड़े डेटा सेट के ऊपर काम कर रहे हो, जैसे यहाँ पे देखो आपका आंसर आ रहा है सिर्फ 0.81, क्लियरली इससे बेटर आंसर्स छुपे हुए हैं बट हम वो निकाल नहीं सकते क्योंकि रैंडमाइज्ड सर्च में क्या होता है, आप रैंडमली सेलेक्ट करते हो, ठीक है। तो हो सकता है आपको बेस्ट आंसर्स ना मिले, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा फिर मैं रैंडमाइज सर्च सीवी क्यों यूज करूंगा। आंसर इज, जब भी आप बहुत बड़े डेटा सेट के ऊपर काम कर रहे हो और आपको खूब सारे हाइपर पैरामीटर्स को ट्यून करना है, इन दैट केस आप रैंडमाइज सर्च सीवी यूज करोगे। क्यों? क्योंकि रैंडमली सेलेक्ट करके ये आपको अच्छे रिजल्ट दे भी सकता है। अगर आप ग्रिड सर्च सीवी यूज करोगे बहुत बड़े डेटा सेट के ऊपर तो आपको उतना बढ़िया रिजल्ट हो सकता है, मतलब बढ़िया रिजल्ट तो मिलेगा अगर आप इनफ टाइम दो तो आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा डिपेंडिंग ऑन द डेटा सेट। तो इन शॉर्ट समरी में, ग्रिड सर्च सीवी आपको तब यूज करना है जब आपके पास कम डेटा है और जो एल्गोरिदम आप यूज कर रहे हो उसमें कम हाइपर पैरामीटर्स है। बट अगर आपके पास बहुत बड़ा डेटा सेट है और आपके पास जो एल्गोरिदम है उसमें भी बहुत ज्यादा हाइपर पैरामीटर्स हैं, तो फिर आपको रैंडमाइज सर्च सीवी यूज करना चाहिए, वो आपको नियर टू परफेक्ट रिजल्ट दे देता है कम टाइम में, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा डिस्कशन समझ में आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।